हमारी आगे वीट की है मेजर क्रॉप, उसके साथ साथ सरसों मस्टर्ड की सेकंड मेजर क्रॉप है, उसकी बैठक ली और ये निर्णय लिया है कि केवल मात्र गेहूं सरसों तक ही नहीं, हरियाणा के किसानों के 6 अलग अलग क्रॉप्स इस बार एमएसपी पे हम प्रोक्योर करेंगे, जिसमें हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जो की फसल को भी 1600 रुपये से ऊपर एमएसपी जो है उसके ऊपर हरियाणा सरकार परचेज करेगी। अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए आप सब तैयारी भी कर ले, सारे किसानों को भी आग्रह करूंगा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल खुला है, अपने आप को रजिस्टर भी कराए और जैसे जैसे आपकी प्रोक्योरमेंट की मंडियों को डेजिग्नेट किया जाएगा, मैंने आज ये निर्णय और लिया है कि पहले जैसे आई फॉर्म के कटने के बाद गोदाउन में माल पहुंचने के बाद किसान की फसल का पैसा एक हफ्ते में रिलीज होता था, इस बार आई फॉर्म की वेट करने की किसान को ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही आड़ती जे फॉर्म किसान का काटेगा विद इन 48 आवर्स उसका जो फसलों का पैसा है उसको उसके खाते तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार की। 1.5 लाख 2 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा बाजरा प्रिक्योर नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ कि 8 लाख मेट्रिक टन बाजरा हमारी सरकार ने प्रिक्योर किया और एक एक दाना हरियाणा ही नहीं, लोग कहते थे दूसरे प्रदेशों का है, तो उसको भी प्रिक्योर कर कर हमने दिखाया। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आज भी कह देता हूँ कि जैसे ही मार्च के महीने से सरसों की प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, उसके साथ अप्रैल की 1 तारीख से वीट की प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, हरियाणा प्रदेश की तमाम मंडियों के अंदर ज़्यादा हाईटेक तरीके से लोडिंग अनलोडिंग भी होगी, एक एक फार्मर को बेहतर व्यवस्था के साथ मंडियों में बुलाया भी जाएगा और साथ में उसका जे फॉर्म कटते ही 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसे डालने की व्यवस्था को पूरी सक्सेसफुल। जो 40 लोगों ने इस पूरी मुहिम को चेहरा दिया था, आज वो 40 चर्चा करने के लिए तैयार क्यों थे? मैं तो बारी बारी कहता हूँ वो 40 तैयार हो चर्चा करने के लिए, केंद्र से मैं दोबारा चर्चा करूँ, केंद्र तैयार है, कानून केंद्र लेकर आई। प्रदेश के अंदर जब मैंने पहले दिन कहा था कि एमएसपी सुनिश्चित रहेगी, एमएसपी जब तक रहेगी जब तक मैं,